मतलब क्यों नहीं। नारे तकबीर अल्लाह अकबर जय सिया राम, यही परंपरा हिंदुस्तान की आप रोकने मत आइए। चोटी और दाढ़ी दोनों खतरे में है, हिंदुस्तान सुरक्षित हाथों में नहीं है। अरे इससे पहले हमें दिक्कत नहीं हुई। ये अपने संगठन से यूपी बिहार से गुंडे भेजते हैं, वहाँ के लोगों को दिक्कत नहीं है, ये गुंडे भेज रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। अगर मान लीजिए त्रिपुरा में दंगा हो गया तो क्या गोलियों तलवारों डंडे पुलिस के हिंदू मुसलमान का नाम पूछ के उनको मारेंगे? जो होते ये उनका नाम पूछेंगे वो त्रिपुरा में दंगा हो गया तो क्या गोलियों तलवारों डंडे पुलिस के हिंदू मुसलमान का नाम पूछ के उनको मारेंगे? जो होते ये उनका नाम पूछेंगे वो? ये सरकार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक चक्की में पीस कर देश की संपत्तियां अडानी अंबानी को बेचने में लगी है कि अगर सड़कों पे नमाज पढ़ने लिए नहीं दी जाएगी तो मैं महंत होकर अपना घर दूंगा नमाज पढ़ने के लिए। तो आधारी अल्लाह अकबर, 5 किलो राशन दे दो और वही बंद है, बंद है वो। ये सरकार ये जान चुकी है कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। 4.5 साल हिंदू मुसलमान करते करते सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अरे तकबीर जय सिया राम, नारे तकबीर अल्लाह अकबर जय सिया राम। रोक लो, मोदी भी रोक ले, अमित शाह भी रोक ले, आके रोक ले। पंडित जी सवाल यही है, बीजेपी के लोग सक्रिय हो गए, जहाँ नमाज हो रहा था वहाँ पे गोवर्धन पूजा भी हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए एक तरह से एक चीज बता दूँ, पहले तो मैं जय श्री गणेश नमः बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ये चोट उनको पहले दे दूँ, ये चोट जरूरी थी। अच्छा, हम राम देशद्रोही साबित हो जाएंगे? अरे वो बताएंगे हमें? आप देश के धर्म का बंटवारा बीजेपी आई एस वाले करेंगे कि मीडिया करने वाली है? मुझे बताएंगे कि मैं कुरान पढ़ू या ना पढ़ू या गीता? अल्लाह अकबर मतलब क्यों नहीं? नारे तकबीर अल्लाह अकबर जय सिया राम, यही परंपरा हिंदुस्तान की आप रोकने मत आइए। अब फिर मैं कहूंगा कि दलाली खा रही है। हम कहाँ रोक रहे महाराज? तो फिर आप कैसे कह सकते कि ये कैसे देशद्रोही आपने कैसे कह दिया? सरकार ये प्रूफ न दे, सरकार ये प्रूफ दे कि किसान पे गाड़ी कुलच के कुचलने वाला वो शख्स क्या आज वो 3rd degree का मेहमान है? किसानों पे अत्याचार हो रहे हैं, नमाज पढ़ना बंद मत कराओ मोदी जी, पहले अपनी हालत सुधार लो। जो आप हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने जा रहे हैं ना, इसका तोड़ दिया हूँ। नारे तकबीर जय सिया राम, नारे तकबीर अल्लाह अकबर जय सिया राम। रोक लो, मोदी भी रोक ले, अमित शाह भी रोक ले, आके रोक ले। ये उत्तर प्रदेश चुनाव को जिताने की साजिश है और ये उत्तर प्रदेश चुनाव में हिंदू मुसलमान करने की साजिश है, बिल्कुल। और इसमें कुछ होगा नहीं। ये सरकार ये जान चुकी है कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। 4.5 साल हिंदू मुसलमान करते करते सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान। विकास की गंगा बह गई, ये योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं। गंगा विकास गंगा बह रही है, विकास गंगा में बह गया, विकास इनका गंगा में बह गया। लाशें कुत्तों से खिलवा दी, ऑक्सीजन के लिए भीख मंगवाया, नोटबंदी पे खड़ा किया। ये बेशर्म मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, कोरोना में जब लोग मर रहे थे तो बंगाल चुनाव में रैली करने गया और कोरोना हो गया, घर में बैठ गया। और लोग यहाँ पे वो आगरा की वो औरत से पूछे जो अपने पति को सांस दे रही थी, उस बच्ची से पूछे जो अपनी माँ से कई दिन बाहर उठ जाओ। कोरोना काल में 4 साल के बच्चे लखनऊ में कमरे बंद के 4 दिन से भूखा प्यासा अपनी माँ के कब मिट्टी पे बैठा रह गया, उसके पार्थिव शरीर के बगल में बैठा रह गया और 4 दिन बाद उसके लिए गेट खोला गया। कोरोना में इतना ठीक है, कोरोना में इतना दहशत बनाने के बाद ठीक है, चले तमाम मुद्दे हैं, बातचीत कर रहे हैं आप, लेकिन लोगों को तो दिक्कत हो रहा था ना, आसपास के लोगों को, रोज नमाज पढ़ने लोग मुसलमान आ जाते हैं वहाँ पे। अरे अरे इससे पहले हमें दिक्कत नहीं हुई। ये अपने संगठन से यूपी बिहार से गुंडे भेजते हैं, वहाँ के लोगों को दिक्कत नहीं है, ये गुंडे भेज रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। अगर मान लीजिए त्रिपुरा में दंगा हो गया तो क्या गोलियों तलवारों डंडे पुलिस के हिंदू मुसलमान का नाम पूछ के उनको मारेंगे? जो हफ्ते ये उनका नाम पूछेंगे वो? त्रिपुरा में दंगा हो गया तो क्या गोलियों तलवारों डंडे पुलिस के हिंदू मुसलमान का नाम पूछ के उनको मारेंगे? जो हफ्ते ये उनका नाम पूछेंगे वो? ये सरकार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक चक्की में पीस कर देश की संपत्तियां अडानी अंबानी को बेचने में लगी है। अब तो लंदन गए हैं अंबानी,
उसको कैश करने, फिर कुछ काला धन लेके आएंगे और फिर उसको यहाँ से वाइट करने के लिए लंदन भेज दे। आप तमाम आरोप लगा रहे, हिंदू मुस्लिम कर रहे, मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हमारे चीजें आरोप लगती है और वो लोग झूठ बोलते तो आपको आरोप नहीं लगता। आप पुलिस वालों से वैसे आप भी जाएंगे, आप तो वैसे जिसको भाई बहन बोलते हैं उसके बाद टाइफाइड गिर जाता है, आप तो खुद ही ऐतिहासिक पत्रकार है, आप जिसको भाई बिगाड़ नेता बोलते हैं उसके बाद टाइफाइड गिर जा रहा है। अच्छा एक चीज तो मैं आपसे कह दूं, ये नमाज की जो हिंदू मुस्लिम की भावना चुनाव के 6 महीने पहले निकाली गई है, ये अब तक कहाँ थी? अब तक इससे पहले आज़ादी से पहले से वहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, वो स्थल रहा है। 20 मिनट के लिए हम नमाज के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं अपने मुस्लिम भाइयों को, वीर अब्दुल हमीद को भूल जाएंगे, हम वीर अब्दुल हमीद को भी गाली दे रहे हैं, हम ए पी अब्दुल कलाम को भी गाली दे रहे हैं, और हमारे यहाँ जितने मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने देश को बचाने के लिए काम किया उनको भी हम गाली दे रहे हैं।